शायरी क्या कहते हैं जान लेते हैं अली खान से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 30-31 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए होने वाली कैंपेन जिसमें कि मोबाइल कंपनियों के खिलाफ नाजायज टैक्स पर हड़ताल का ऐलान किया गया है, गुजरांवाल के पहलवान भी इस कैंपेन का मुकम्मल हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इस वक्त मेरे साथ रुस्तम पाको हिंद उमर भट्ट पहलवान मौजूद हैं जो कि गुजरांवाल के पहलवानों की तरफ से तर्जमानी करेंगे और इस बायकॉट के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि ये बायकॉट होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए बायकॉट। इंशाल्लाह सारा सोशल मीडिया पर जो चल रही है ये मुहिम, ये सब लोग मिलके बायकॉट करेंगे। ये आगे ही 100 रुपये के ऊपर 25 रुपये टैक्स काटा जाता है, यही काफ़ी है कि इसको भी कम किया जाए। बल्कि बाकी मिस कॉल पे, मैसेजेस पे और तमाम जो सहूलियात हैं इन पर टैक्स नए लगाए हैं इन्होंने। ये टैक्स जो है ये नाजायज़ हैं, ये ज़्यादती है आवाम के साथ, इसको ख़त्म करना चाहिए। और बल्कि ये ख़त्म करके सहूलतें बढ़ानी चाहिए ताकि सार्फिन जो हैं मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा कर सके मोबाइल नेटवर्क से। और यही आवाम की मुतालबा है 30-31 तारीख को जो ये मुहिम इसका बायकॉट है, हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं और बायकॉट करेंगे। इनको चाहिए कि ये हमारे जो आवाम के मुतालबात हैं ये पूरे करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि पूरी पहलवानों की जो कम्युनिटी है गुजरांवाला में ये इस बायकॉट का मुकम्मल हिस्सा बनेंगे और मोबाइल कंपनियों को एक ये पैगाम देंगे कि तमाम सार्फों के लिए जो है वो सहूलियत मुहैया किया जाए उनके लिए। बात काफी नाला है, शुक्रिया अली खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे पहलवानों के शहर से।